दोस्तों, कुदरत ने कई तरह के जीव जंतु बनाए हैं जिनमें सांप भी शामिल है। दोस्तों, दुनिया भर में सांप कई जगहों पर पाए जाते हैं और ज़्यादातर सांप विषैले होते हैं, तो इसलिए लोग इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ खूबसूरत सांपों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देख कर आप चौंक जाओगे और यह सोचने लगोगे कि क्या सांप भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओरिएंटल व्हिप स्नेक। ये चमकदार पतला और हरा व्हिप स्नेक जहरीला होता है। यूँ तो ये सांप काफ़ी पतला है, लेकिन इसके मुंह में बड़े आकार के दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये डसता है। हरे भरे रंग वाले इस सांप को हरियाली काफ़ी पसंद है। यह खेतों से लेकर रिहायशी इलाकों तक सभी जगह पाया जाता है। रेड हेडेड कैराइट। गहरे नीले शरीर और लाल मुंह वाला यह सांप खूबसूरती के मामले में दुनिया में नंबर एक पर है। दक्षिणी थाईलैंड की पहाड़ी ढलानों पर पाया जाने वाला कैरेट सांप 7 फीट तक लंबा हो सकता है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा जहरीला भी। इसके नशीले शरीर पर लाल रंग की पूंछ और मुंह बहुत ही शानदार लगता है। ब्लैक स्पिनिंग कोबरा। ब्लैक स्पिनिंग कोबरा सांप अफ्रीका के सहारा में पाया जाता है। काले और सफ़ेद रंग के मेल वाला ये सांप 7 फीट से ज़्यादा लंबा होता है। ये सांप जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी। खतरा महसूस होने पर यह कोबरा अपने फन से बहुत दूर तक जहर फेंक सकता है। जहर फेंकने की इसी खासियत के कारण इसे स्पिनिंग कोबरा कहते हैं। ब्लू रेसर स्नेक। खूबसूरत नीला ब्लू रेसल स्नेक दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है। 5 से 6 फीट लंबा ये स्नेक यहाँ लगभग हर जगह पाया जाता है। झील के किनारों से लेकर बरसते जंगलों और लकड़ी के मकानों में सभी जगह मिलने वाला यह सांप पूरी तरह नीला होता है। इसकी चमक वाकई आकर्षित करने वाली होती है। लियोसिस्टिक टेक्सास रेट स्नेक 5 नंबर पर है। अमरीका के टेक्सास में स्टेट में पाया जाने वाला ये रेट स्नेक ये जितना गोरा है उतना ही ज़्यादा फुर्तीला भी है। 6 फीट लंबे और हल्के पीलेपन के साथ इसके सफ़ेद शरीर पर मिलजुले आकार के धब्बे पड़े होते हैं, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सांप आपको ज़्यादा पसंद आया और कौन सा सांप आपको बहुत डरावना लगा, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए